तो कोई एतमाद ही नहीं है अपोजिशन पार्टियों में। मौलाना फजलुर रहमान ने पहला फायदा हासिल कर लिया, मजीद कुछ हासिल कर लेंगे। कराची की आवाम भुगतेगी अभी कोई भी मौसम हो, मौलवी साहब के लिए वो मौसम बहार होता है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ नहीं कहीं बस चला, छोटी सी नौकरी से शुरू किया था इनके भाई साहब ने, पता नहीं कहाँ। वैसे है इंतजामी मामला, अरुण साहब ज्यादा भी इसके ऊपर कहना चाहिए, इंतजामी वो कहते हैं इंतजामी मामला है, सिंध वाले कहते हैं। ना कहें, वैसे वो लायक भी बड़े हैं, आखिर वो मुफ्ती महमूद के पोते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के भाई, भाई हैं। तो ऐसा आदमी डिप्टी कमिश्नर नहीं होगा तो और कौन होगा, लायक खानदान है, उनकी पूरी तारीख लियाकत और जानत की और इशार और कुर्बानी की तारीख है। अच्छा हाँ जी, कोई शक ही नहीं है इसमें। तो बाकी तो मुझे लगता है कि देखिए कोरोना है, कोरोना में कितनी तहरीक चल सकती है, जलसे जुलूस हो सकते हैं। बिलावल तो बड़े पुरजोश हैं, उनके पुरजोश होने से कोरोना कम हो जाएगा। कोरोना फरवरी तक तो नाम ही ना लेना जलसे जुलूस का, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर अदम एतमाद है सर एतदाज हसन जो ये कह रहे हैं इस यानी जोर शोर से, हर टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं हमें इन पर एतमाद नहीं है। क्या बिलावल उन्हें रोक नहीं सकते थे अगर रोकना चाहते, या यही कहते कि जी कुछ कम करें, आपको एक दफ़ा आपने कह दिया काफ़ी है तो बार बार क्यों कह रहे हैं। तो ये आज़ादी उन्हें कैसे मैसर है, ठीक है उनकी अपनी भी एक हैसियत है, ठीक है पार्टी में भी उनकी राय की हैसियत है, और नून लीग को सूट करता ही नहीं है के पी सी का हिस्सा बने, कोई एहतजाजी तहरीक चलाना। अच्छा पार्ट उसमें तो जाएंगे, तो उसमें जाएंगे शहबाज शरीफ, हो सकता नहीं जाएंगे वैसे, तो वो उसमें जाएंगे शहबाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ तो नुमाइंदा ही नहीं है पार्टी के, पार्टी के नुमाइंदा जो हैं पार्टी की नुमाइंदा है मरियम। सारी जिंदगी उन्होंने इस पार्टी के साथ गुजार दी, हर उन सब नुमाइंदा कैसे नहीं है वो शहबाज शरीफ साहब, कैसे उनका एजेंडा आ रहा है, उनके भाई का एजेंडा आ रहा है। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का एजेंडा काम नहीं करने वाला, शहबाज शरीफ साहब का एजेंडा काम कैसे करेगा, यानी जब नवाज शरीफ साहब चाहेंगे तो करेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेगा, वो तो ठीक है। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, बात तो एक ही है, मकसद तो दोनों का इख्तदार ही है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी उनकी साहबजादी है, मुल्क नहीं है, वो बोलेगे तो किसी की भी नहीं, मुल्क किसकी प्रायोरिटी है। चले मरियम साहबा की नायली पता नहीं कब खत्म होगा। कितनी दफा इमाम जैनुल आबिदीन का कॉल आपको सुना है, अकल वाले बहुत हैं, दर्द वाला कोई नहीं। मुल्क इस हाल को पहुंचता, ये गंदम भाई 2100 से 2300 रुपए मन बिक रही होती, आटे के तो मुल्क इस हाल को पहुंचता, आटे के बहुत बुरे हालात है, और चीनी 88 रुपए बिक रही होती, ये मुल्क का दर्द किसको है, वो आदमी तो मुझे दिखाएं जैसे मुल्क का दर्द है इन सियासी पार्टियों में। हारून साहब, ये नून लीग का बता रहे हैं कि नून लीग को ये सूट ही नहीं करता जो एपीसी या जो भी एलामिया लेके पीपुल्स पार्टी चलना चाहती, फिर इमरान खान साहब भी अनपॉपुलर हो रहे हैं, ये याद रखें। चीनी 88 रुपए, आटा चक्की का 60 से 65, 65 से 68, 68 से 70 रुपए, और हुकूमत की पॉलिसी क्या है, चक्की को गंदम नहीं देनी, भाई क्यों नहीं देनी, वजह नहीं, कोई दलील नहीं, कोई जवाब नहीं इसका, भाई चक्की वालों को क्या मतलब है, ट्रक खड़े 1400 रुपए खरीदी है ना, 1475 रुपए दे रहे हैं ना, तो खसारा तो कोई ना हुआ, सही, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो पूरा हो गया, 1475 क्या, 1500 रुपए, 1550 रुपए दे, 1600 रुपए दे दें, 100 ट्रक खड़े कर दें लाहौर में और कराची पिंडी में और फैसलाबाद में हर जगह, और उसके ट्रक का किराया भी उसमें शामिल कर लें, 1500 1550 कर दें, 1600 लोगों को दे दे गंदम, जो तो ज्यादा जाए जाए चक्की से पिसवा ले, लोग कैसे जाए वहां, तो अजीब माहौल बन जाएगा, नहीं उसका कोई ना कोई तरीका हो सकता है ना, बाकी सारे काम हो सकते हैं, ईद पे कोरोना फैलने का पूरा मौका दे दिया है, कह रहे हैं एहतियात करें, नहीं कह रहे हैं ना, तो गंदम जो है वो भी हो सकती है, डिलीवर हो सकती है, उनसे क्या टेलीफोन पर ले लें ऑर्डर, ऑनलाइन ले लें, उनको डिलीवर कर दें, डिलीवरी के पैसे ले लें, फिर भी सस्ती पड़ेगी। आटा वो होता है, ये बाय द वे बीच में एक बात आ गई कि गंदम घर में साफ की जाए, उसको धोया जाए, इसमें मिट्टी होती है, एक मशीन भी मिलती है चीनी 10,000 रुपए की जो मिट्टी निकाल लेती है, अब कुछ बढ़ गई होगी उसकी प्राइस। आटा ये जो बाजार में आटा बिकता है ये तो मिल जाता है अक्सर सही प्राइस पे भी, मगर ये आटा खाने का तो नहीं है, इसमें तो 25 साल पहले 30 साल पहले जो रिसर्च हुई थी मैंने तफसील से पढ़ी थी,
60% से ऊपर ऐसे जो इंसानी इस्तेमाल का काबिल ही नहीं है अंतड़ी को, मैं तो जो दस्तयाबी हर उन सब आवाम तो वही खाएगी ना, मगर ओहदे चक्कियों के लिए दे देना, ज्यादा चक्कियां लगे, ज्यादा चक्कियां लगे, ज्यादा जॉब्स पैदा हों। ओ भाई आधी फ्लोर मिले तो काम ही नहीं करती, और उसके रिश्वत खोर पाल रहे हैं। रिश्वत खोर बड़ा कमजोर लफ्ज है, जो असल लफ्ज में बोल नहीं सकता, कट जाएगा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। वो आधी फ्लोर मिले तो चल ही नहीं रही, और गंदम बेच के अपने पैसे अपना कमा तो लेते हैं। ये जो फैसले इमरान खान साहब के, ये तो इनको बड़ा अनपॉपुलर कर रहे हैं एपीसी में, लोग तो फिर बाहर निकल आएंगे। रोना है क्या है, समझ नहीं है, किसान को नुकसान हुआ, गंदम 1600 रुपए मन होनी चाहिए थी, उसे कुछ नहीं बचता बेचारे को। अच्छा अब खरीदार को या तो फायदा हो जाए, उसे भी नहीं फायदा हो रहा, उसे भी महंगी मिल रही है, किसान का भी नुकसान हुआ, खरीदार का भी नुकसान हुआ, हुकूमत का भी नुकसान है। इस साल शायद पैसे पूरे हो जाएं, वो भी अगर जिस हिसाब ये फ्लोर मिलों को दे रहे हैं, गालबन कोई 23,000 टन चाहिए, 17,000 टन दे रहे हैं, ओ भाई मजी 6,000 टन बचा के क्या कर रहा है। अब इंपोर्ट की इजाज़त दे दिया है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अभी थोड़ी देर पहले पता किया है, चीनी की और गंदम की कीमत जो है यही है, थोड़ी सी कदरे महंगी होगी, इसलिए प्राइस अब यही रहेगी। चक्की को दे दें, चक्की वालों को दे दें, हाँ, उससे उससे कीमत कुछ नीचे आ। अच्छा एक और वाक्य हुआ ना, जिम्मेदार भी सियाने हो गया है भाई, मार्केट प्राइस 1600 या 1400 है, जिसने जितनी छुपा सकता था 10-20 बोरियां छुपा ली, छोटे जिम्मेदार हैं, किसी ने 2 छुपा ली, आड़तियों ने भी कुछ छुपा लिया, अब 10-10 बोरियों के लिए छापे तो नहीं मारे जा सकते। 10 बोरी के लिए कहां से, जब आप समझते नहीं है मार्केट को, सूझबूझ का फुकदान है। अगर अकल की वैक्सीन होती तो पीटीआई के लीडरों को जरूर लगानी चाहिए थी, चाहे 10 लाख रुपए की एक वैक्सीन तो लगवाता कौन, 10 लाख वाली वैक्सीन आप लगवाते हैं? लगवाता है, खुद ही लगवा लेता है, एक लगवा लेता फिर उसके तजर्बे से दूसरे लगवा लेता है, वो तजर्बा उल्टा भी होता है। भाई चारों को नुकसान, फ्लोर मिलों को नुकसान, हुकूमत को नुकसान, खरीदार को नुकसान, किसान को नुकसान। ये तो एक मजाक की तरफ बात चलेगी, मगर इस किस्म के मजाक नहीं, नहीं आप लोगों की बात कर रहे हैं, आरुण से वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, लेकिन लेकिन अगर इस नुक्ते को भी देखें, जो बहरान एक के बाद दूसरा सर उठाता है, ये तो इमरान खान साहब के लिए बड़े जहरीली साबित होंगी ये चीजें, अगर तहरीक उठ गई तो क्या करेगी पीटीआई। अरे भाई इन हालात में कोई सियासतदान या हिमाकत कर सकता है? सिंध वालों ने कर दी, पीपल्स पार्टी ने कर दी, वो उन्हें क्या है, उन्हें तो जरूरत है ना स्ट्रीट पावर की, उन्हें तो सूट करता है। दूसरा ये है, उन्हें बदनामी नेकनामी उनके नजदीक कोई चीज नहीं, एक अच्छा, ही चीज है क्या, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। अच्छा तो ये मामला है सारा। लेकिन हारून साहब एमक्यूएम भी तनकीद कर रही है, एक तो जो उनके भाई को लगाया गया है, और दूसरा कहा गया है जो अब एपीसी होगी डेफिनेटली उसकी तमाम तरखुमियाजा कराची की आवाम को भुगतना पड़ेगा। कैसे ये एमक्यूएम के लोग कहते हैं, इजहारुल हक साहब कह रहे हैं एपीसी अगर हो गई और जिस किस्म के फैसले अब सामने आ रहे हैं, जिस तरह मौलाना साहब के भाई को अकोमोडेट किया गया है, डेफिनेटली कह रहे हैं ना, तो कराची के तो 2 करोड़ जंगी कैदी, ये शहरी थोड़ी हैं, जंगी कैदी हैं, ना कूड़ा सा उठ सकता है, ना K4 जो है, अब K4 के लिए कोशिश एक साहब कर रहे हैं, तनदही से लगे हुए हैं। अच्छा। अब इसके पीटीआई के लीडर हैं, वजीर आजम को कायल कर रहे हैं, दूसरों को कायल कर रहे हैं, वजीरों को कर रहे हैं, गालबन असद उमर साहब से भी मिले हैं। अच्छा। ओ भाई इसको सी पैक में ही डाल दो, पानी तो मिले लोगों को। अच्छा, बलोचिस्तान पानी नहीं, इम्पोर्टेंट चीज़ नाला था, एक गुज्जर नाला अगर सिर्फ साफ कर देते तो बहुत फर्क पड़ता, बड़ा नाला वही है जी जी, नाले साफ नहीं कर सकते, कूड़ा उठा नहीं सकते, हुकूमत इन्होंने क्या करनी है? वैसे अब कह रहे हैं बरसाती नालों की सफाई का काम अब शुरू कर दिया। और अगर आप उनके ट्वीट पढ़े ना आजकल पीपल्स पार्टी वालों के, ऐसा लगता है सिंध कैलिफोर्निया बन गया कि हमसे सीखें। आज एक उनकी खातून लीडर ने ट्वीट किया है कि सिंध इतना खुशहाल है, मुल्क भर से लोग नौकरी करने सिंध आते हैं। भाई कराची आते हैं, कराची इंडस्ट्रियल सिटी है, बोलो आपने आपने आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कराची को इंडस्ट्रियल सिटी बनाने, तो ख्वाब आपने उसे रोका है, ख्वाब देखने में, ट्वीट करने में क्या पाबंदी है, उन सब कोई पाबंदी नहीं, बल्कि ये कहें कि सिंध जो है वो अमेरिका से ज्यादा खुशहाल है, मैं इस पे भी कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं, उम्मीद करते हैं शायद हो ही जाए अरुण साहब इसमें अच्छी। अब वो कह रहे हैं ना अजरक दुनिया का सबसे खूबसूरत लिबास है, बिल्कुल कह रहे हैं, तो हमें क्या एतराज है इसमें, पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान का, पाकिस्तान में वैसे वो नक्शा मैं कल ले आऊँगा आपको दिखा दूंगा कि पाकिस्तान में ऐसी जो थर में चादर बनती है, मेरे पास बहुत सारी हैं, मुझे हैंडीक्राफ्ट्स के से थोड़ा सा दिलचस्पी है। अच्छा,
دنیا کے اعلیٰ ترین پینٹر وہ رنگوں کا امتزاج پیدا نہیں کر سکتے، اس کا ذکر نہیں کریں گے.